तारा भाई चुकंदर एक ही बात बोलता है, दोस्तों मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। इधर एक बात बता, क्या ऐसी औरतें भारत देश में होनी चाहिए? होनी चाहिए। हैं? क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए ये बता, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो बहुत मजे मार रही है। मैं कह रहा हूँ तू भी मेरे मुंह से कुछ सुन लेगी, किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चों को उतार के, बच्चे मासूम होते हैं, किस तरीके से बच्चों का चेहरा होता है, ये बच्चों को उतार के झूले खा रही है। ऐसा मेरे से ज्यादा बकवास किसी को करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों के चेहरे देख, उनके चेहरे देख, किस तरीके से उनका नाक निकल रहा है, कैसे उनके पासू निकल रहे हैं। आपने मेरी दुनिया में क्या बिगाड़ दिया, मेरी जिंदगी खराब क्यों करी आपने? मैंने कहा नहीं, आपने मेरे को बोला था कि ऐसी बेटी दूंगा जो बिल्कुल ऐसे रहेगी। तारा भाई चुकंदर एक ही बात बोलता है, दोस्तों मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। इधर एक बात बता, क्या ऐसी औरतें भारत देश में होनी चाहिए? हैं? जल्दी बता, जल्दी। होनी चाहिए। हैं? क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए ये बता, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो बहुत मजे मार रही है। मैं कह रहा हूँ तू भी मेरे मुंह से कुछ सुन लेगी, छोटे छोटे बच्चों को झूले से उतार के मेरी धर्मपत्नी ने जो गंदा काम किया, आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए आप, किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चों को उतार के, बच्चे मासूम होते हैं, किस तरीके से बच्चों का चेहरा होता है, ये बच्चों को उतार के झूले खा रही है। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर मटकी फूटनी चाहिए। आंटी जी, आंटी जी के बच्चे को उतार दिए झूले से, और देखो किस तरीके से इसने गंदा काम किया है। इधर भाई तू, इधर बच्चे को क्यों उतार रही है भाई तू? थारा भाई चुकंदर। हाँ भाई, क्या मेरी मर्जी झूला झूलूं? वो बच्चा रे को रो रो के उससे बुरा हाल हो गया, क्या कर रही है तू बच्चों के साथ? तो क्या हो गया, मैं क्या हूँ? है तू क्या है तू? एक ये इसकी बहन को सपोर्ट कर रही है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे भी अगर 12-13 बच्चे अगर झूले से उतारे तेरे को कैसा लगेगा? थारा भाई चुकंदर से सवाल पूछता है, बता भाई। अच्छा लगेगा, तेरे 12 के 12 बच्चे रोएंगे और इसी पार्क में बैठ के घास में रोएंगे, उल्टे लेटेंगे और यही पोटी करेंगे। फिर मैं उस दिन बात करूंगा तेरे से कि तूने मेरे से क्या बात करी थी। इसकी बहन इसको सपोर्ट करने में लगी हुई है, ऐसी बहनों को पूरे भारत देश में नहीं होना चाहिए, इनको होना चाहिए न्यूजीलैंड के अंदर। ये देखिए आप, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या कर रहे बच्चे? बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सारे बच्चे रो रहे हैं। देख सब, हाँ सारे बच्चों को तूने उतार दिया, ये क्या काम करा तूने? ऐसा मेरे से ज्यादा बकवास किसी को करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों के चेहरे देख, उनके चेहरे देख, किस तरीके से उनका नाक निकल रहा है, कैसे उनकी पासू निकल रहे हैं, नाक निकल रहा है, कैसे उनकी पासू निकल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो देख के। भगवान तेरे को माफ नहीं करेगा, तू यहाँ से अभी न्यूजीलैंड फटाफट चले जा न्यूजीलैंड, नहीं तो बहुत फ्लाइट और पैसे दे दो। फ्लाइट और पैसे दे दो। नहीं देता थारा भाई चुकंदर। हेलो, इधर आओ एक बार। आपने मेरी दुनिया में क्या बिगाड़ दिया, मेरी जिंदगी खराब क्यों करी आपने? मैंने कहा नहीं, आपने मेरे को बोला था कि ऐसी बेटी दूंगा जो बिल्कुल ऐसे रहेगी, सुशील और ये सारी चीजें, ये ऐसे क्या बना, सुशी क्यों बन गई है? सुशी बन गई है। तारा भाई चुकंदर आपसे सवाल पूछता है, सुशी कैसे बन गई, छोटी बच्ची कैसे बन गई है? अच्छी है ना, तो खेलती रहेगी, बढ़िया खेलती रहेगी, तो झूले में बैठ के पापा रोटी बना लेगी मेरे लिए। अगर आप भी बेटी के सपोर्ट में हो ना पापा, आप जैसे पिताजी को ना बांग्लादेश में होना चाहिए था। तारा भाई चुकंदर देखो जी, इनके पिता भी इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को, इसी चक्कर में बेटियां बिगड़ती हैं। जिस तरीके से ऐसे माता पिता होते हैं, ऐसे माता पिता को बांग्लादेश में पैदा होना चाहिए। तारा भाई चुकंदर ने इंसाफ कर दिया, इतने पिताजी से बात कर ली मैंने। क्या कर लोगे? तेरे पिताजी ऐसी अच्छी बातें नहीं कर रहे, बांग्लादेश की जैसे लोग बातें करते हैं वैसी बातें कर रहे हैं। आपके होठ तोड़ूं? हैं? होठ तोड़ूं आपके? आगे होठ तोड़ने पे आगे बेटा, तेरे को बेटा ऐसा ऐसा करना चाहिए, तेरी मम्मी को झूले खाने चाहिए, बच्चों वाली जगह तेरी मम्मी को झूले खाने चाहिए। बेटा जल्दी बता, खाने चाहिए? पूरे खानदान को एक जैसा करके बैठ चुकी है मेरी औरत ने, मेरी जिंदगी पूरी ऐसे हिला के रख दी है और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। और मेरे पिताजी ने बात करी है ना, आपने तो अभी मेरी क्या अपनी पोती को क्या वो करा है? मैंने कुछ नहीं, उसको खेलने तो खेलने दो। आपने पीछे से मेरी बेटी को इशारा करा ना हाँ बोलने के लिए? नहीं पापा, नाइजीरिया में होना चाहिए आपको। मैंने तो वो ना जिंदगी में ऐसी तो सोचा नहीं था कि मेरी औरत ऐसे कारनामे करेगी। हाँ अब तो कौन से झूले खाने जा रही है, दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी, चुकंदर मेरा चुकंदर का मजाक बन के रह जाएगा। थारा भाई चुकंदर, तेरी मम्मी को होना चाहिए नाइजीरिया का, तेरे पापा को बांग्लादेश का। जिस तरह मेरे माँ बाप जाने की हिम्मत कर ली ना, यहाँ पे फोड़ दूंगी आपको मिनट से पहले मैं। है फोड़ देगी? हाँ अभी हट जाता बताता हूँ। थारा भाई चुकंदर ये छाती फोड़ फोड़ के मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही थनक जाएगा दिमाग अपने आप। अब कहाँ जा रही है तू? झूला खाने जा रही है। कौन सा खाने जा रही है? क्या पापा किसके पल्ले बांध दिया यार मेरे को फ्री फंड में? हैं? इनसे तो बात नहीं करूंगा जिंदगी भर, बांग्लादेश से होना चाहिए इनको। अपने होठ देख लो, 40-50 बंदों के टूटेंगे तो आपके लगेंगे इतने, एक होठ है आपका इतना। थारा भाई चुकंदर इसने जो मेरी होठ कर लो छोटे नहीं कर रहा, मैं इसी तरीके से बात करता हूँ। मैं दोस्तों मेरी औरत ने मेरा जीना मुश्किल किया है, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, इसकी हरकतें दिखाऊंगा। मेरी औरत ने, मैं आपको बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक एक चीज, पूरे भारत में वीडियो को वायरल कर देना। मेरी औरत ने जो काम किया है आपको हर एक चीज दिखाऊंगा मैं। ये देखिए आप किस तरीके से मेरी औरत ने मेरी नाक कटवाई, पूरे समाज के अंदर हर एक बंदा इसको देख रहा है। ये देखिए आप, बच्चे को नहीं बैठने देगी? अपने को भी नहीं।
भारत देश के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। भारत देश का बच्चा, हर बच्चा ये वीडियो को देखकर बहुत गुस्से में आने वाला है। पांच साल का बच्चा, छह साल का बच्चा, सात साल का बच्चा, भारत देश के हर एक बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद गुस्सा आने वाला है। हर बच्चा डिसाइड कर लेगा कि ऐसी औरतें न्यूजीलैंड में होनी चाहिए, भारत में होनी चाहिए। जिस तरीके से इस औरत ने बच्चों को झूले से उतार के जो कारनामा किया है, जो ये बच्चों को रुला रही है, उनकी नाक निकल रही है, बच्चे घास खा रहे नीचे बैठ के, बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इस औरत की शक्ल देखकर बच्चे परेशान हो गए हैं। बच्चों को आज डिसाइड कर लेना चाहिए कि बच्चों आपकी जिंदगी में या आपके भारत देश में ऐसी औरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देख लो जी, अब आपको इंसाफ करना है, किस तरीके से करोगे। सारा भाई चुकंदर ने इंसाफ कर दिया, बाकी आपकी बारी अब है बेटा, डिसाइड कर ले, क्योंकि तू अब झूले पे नहीं चढ़ पाएगा। भारत देश का कोई बच्चा झूले नहीं खा पाएगा, भारत देश का कोई बच्चा झूले पे नहीं बैठ पाएगा, भारत देश का कोई बच्चा झूले पे इंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये औरत भारत देश के अंदर बच्चों को झूलों से उतारती है। उनको उनको उनकी बच्चों की नाक निकल रही थी, उसको तरस नहीं आती। बच्चों की नाक निकल रही थी, उसको तरस नहीं आती। बच्चों की नाक यहाँ से यहाँ आ जाती, उनको तरस नहीं आती। तारा भाई चुकंदर हिसाब करेगा, किसी भी बच्चे की नाक निकलने नहीं देगा। तारा भाई चुकंदर एक ही बात बोलता है, बच्चों आपका तहलका भाई आपके साथ है, आपका चुकंदर आपके साथ है। सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।